शपथ लेंगे हम सब कि संविधान के विरोधी जो भी कार्य होगा, हम जहां रहेंगे हम उसका विरोध करेंगे। व्यवस्था को अगर बर्बाद की है तो हमारे बिहार में इसी निकम्मी नीतीश कुमार की सरकार ने बर्बाद। आपका क्या नाम हुआ? अमन कुमार नाम हुआ। अमन कुमार जी, सर ये जो सम्मेलन रखा गया है आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन, इसको लेकर क्या? आरक्षण हिस्सेदारी आज ही के दिन 26 जुलाई को आरक्षण की शुरुआत हुई थी। बिहार न्यूज, हम अभी आ चुके हैं कृष्ण मेमोरियल हॉल। यहाँ पर आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन आज किया गया है और इनका कोटेशन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके श्री अनिल कुमार जी, आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन के। आइए उनसे भी बातचीत करने का कोशिश करेंगे और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे, जो आखिर वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी ये कोटेशन लिखे हैं, तो इस पे उनका क्या प्रतिक्रिया रहेगी। आइए हम कृष्ण मेमोरियल हॉल के प्रांगण में चलते हैं और जानते हैं उनकी मन की बातों को। तो हम अभी आ चुके हैं कृष्ण मेमोरियल हॉल के प्रांगण में और यहाँ पर जानने का कोशिश करेंगे एक एक यहाँ के पब्लिक से, जो आखिर यहाँ पर ये सम्मेलन जो की जा रही है यह किन विषयों को रखकर किया जा रहा है। क्या कि इनका कोटेशन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी को लेकर के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आज ये प्रोग्राम रखा गया है। तो हम आइए बात करते हैं। तो कृष्ण मेमोरियल हॉल के प्रांगण में हम आए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं कई लोग जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो सम्मेलन रखा गया है क्या इस पर ये लोग का प्रतिक्रिया क्या है। हम एक एक करके बात करने का भी कोशिश करेंगे। कुछ कार्यकर्ता हैं जिनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? अमन कुमार नाम हुआ। अमन कुमार जी, सर ये जो सम्मेलन रखा गया है आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण जो है वो देश के सभी लोगों को बराबर हक मिलना चाहिए। देश का जो आबादी है तो हर किसी का हक उस पर होना चाहिए। बिल्कुल सर, हक होना चाहिए, लेकिन आपका सर कोटेशन है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल, हमारा यही कहना है ना कि आबादी जिनकी जितनी है उसके हिसाब से आरक्षण का मतलब विस्तार होना चाहिए, ना कि किसी को अभी जैसे सवर्ण लोगों को मिला और पहले से आरक्षण है। लेकिन हम लोगों का ये मांग है कि जो आज देश का 55% से ऊपर, बिहार का अगर आप देखेंगे अभी जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया था उसमें 55% से अधिक लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। तो सर गरीबी रेखा के नीचे को तो आधार, आरक्षण का जो आधार होना चाहिए वो जातीयता के इस पे तय ना हो। हमारा मांग ये है कि उनके जो दैनिक हालात है उसके आधार पर, यानी आप कहते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन पर ये डिवाइड किया जाए, क्योंकि गरीब तो सभी में है ना, गरीबी हर जाति में है। अब क्रीमी लेयर का ही क्या है, आरक्षण मिलता है लेकिन उसी जाति में बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रीमी लेयर हैं लेकिन वो आरक्षण का फ़ायदा उठाते हैं, तो वैसे लोगों को आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिसका उनको ज़रूरत है। तो आप अभी सुन रहे थे, इनका कहना है जो यहाँ पर किसी जाति विशेष को लेकर के ये नहीं रखा गया है सम्मेलन, बल्कि यहाँ पर हर एक वर्ग में, चाहे वो अपर कास्ट के हों या फिर निम्न कास्ट के हों, हर कास्ट में आरक्षण का जिनका मांग है, इनका फंडा सीधा सीधी यही है कि आरक्षण मिले तो इकोनॉमिक के आधार पर, उनकी कंडीशन क्या है, उनके हालात क्या हैं। और भी बहुत सारे यहाँ युवा लोग भी मौजूद हैं, उन सभी से भी बातचीत करेंगे। आइए, कुछ युवा हैं राम यहाँ पे प्रांगण में, तो उनसे पूछते हैं। कुछ महिलाएँ भी इधर बैठी हुई हैं, इनसे भी हम बाजार, अच्छा दुल्हिन बाजार से आप लोग आए हैं, हाँ क्या चीज़ को लेकर आए हैं? आरक्षण को ठीक के लिए जी, आरक्षण को सुधारने के लिए। हम लोग ज़्यादा जनसंख्या में हम लोग कम आरक्षण मिला है। अच्छा, तो यहाँ आए हैं जिस क्योंकि आपका जो लाइन लिखा गया है जिसकी जितनी संख्या जी, आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन में हम लोग आए हैं। हाँ तो आए हैं, तो मतलब इसमें आरक्षण में जो आप आए हैं, तो आरक्षण कोटा आपका अभी क्या है? हम लोग कहाँ मिला है अभी आरक्षण? आप लोग आरक्षण नहीं मिला है, किस कोटा से आते हैं? हैं,
हम लोग ओबीसी के हैं, तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला है? ना मिला हम लेकर, जितना हम लोग हैं जनसंख्या उतना मिला है, है? आप कुछ कहेंगे इस पर? कौची कहेंगे, हम लोग तो वह मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? पूरा हो ही नहीं रहा था, हम लोग क्या करेंगे? बाल बच्चा का रोजगार मांग रहे हैं, कुछ नहीं है, ये सब सुखार हो गया, का हो गया, तो ये सब हम लोग तो मर रहे हैं बिहार में। क्या करेगा हम लोगों का बिहार को सुखित गौण कर? किसान को न, किसान को एकदम आर्थिक स्थिति खराब है, न पानी है, न खाद है, न बिजली है, सब कुछ खत्म है, सब कुछ खत्म है। इससे इससे आरक्षण का क्या लेना देना है ये बताइए? अगर महंगाई है तो इससे आरक्षण के लेके खिलाफ हम लोग चल रहे हैं। महंगाई इतना बढ़ गया है कि सब पर GST लागू हो गया, दूध दही सब जितना खाने पीने सामान है उस सब पर हम लोगों का GST लागू कर दिया सर। आप जिस सम्मेलन में आए हैं वो आरक्षण से रिलेटेड सम्मेलन है? हाँ, रिलेटेड सम्मेलन है। हाँ, हाँ। तो आप उस पर कुछ बताइए, आप महंगाई पे बता रहे हैं। तो हाँ भाई, हमने क्या आरक्षण कहाँ दे रहा है सरकार? तो इनका कहना है जो ये लोग आरक्षण को लेकर के आए हैं, लेकिन टारगेट महंगाई पे भी इन लोगों का है, जो महंगाई हर चीज़ पे GST लागू कर दिया गया है मौजूदा सरकार के द्वारा। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उन सभी से भी हम बातचीत करेंगे। तो अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में इस आरक्षण को लेकर के कॉन्फ्रेंस चालू है, और बहुत सारे लोग हैं जो बाहर प्रांगण में भी मौजूद हैं, इन सभी से भी हम बातचीत करेंगे। अभी कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे अनिल कुमार जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ हम भी बातचीत करने का कोशिश करेंगे। कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। एक एक करके उनको सम्मानित करने का काम चल रहा है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल जो कि गांधी मैदान के पास है, वहाँ पे आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो फोटो है उनके साथ माल्यार्पण भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अनिल कुमार जी जो कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बड़े माला के साथ है स्वागत किया जा रहा है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी स्वागत की जा रही है, स्वागत किया जा रहा है। बहुत सारे जो इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सभी इनका स्वागत बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। तो अनिल कुमार जी का स्वागत बड़े माला के साथ सभी कार्यकर्ता बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, बहुत हर्षोल्लास से भरी हुई इनकी जुनून है। सभी लोग अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार अब अपने कार्यक्रम में भाषण देने का काम करेंगे। आप आ चुके हैं स्टेज पर आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार, अब हम उनको सुनने का काम करेंगे। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार को। देखिए, आरक्षण हिस्सेदारी आज ही के दिन 26 जुलाई को आरक्षण की शुरुआत हुई थी 1902 में, जो छत्रपति साहू जी महाराज ने शुरुआत की थी, और आज ही के दिन हम लोगों ने उनका एक तो जयंती भी मनाया और आरक्षण दिवस के शुरुआत के अवसर पर उसी दिन हमने अपनी हिस्सेदारी को बुलंद करने का कोशिश की कि आरक्षण में हिस्सेदारी आज हमारी ख़त्म की जा रही है। हमें 85% हमारी जनसंख्या है और हमें 49% में सीमित किया जा रहा है, और जिनकी संख्या 15% है उनको 50% आरक्षण दिया जा रहा है, उसी के खिलाफ ये आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन आज यहाँ किया गया। आपने स्वर्णों के आरक्षण का विरोध किया, क्या कुछ आंदोलन भी आने वाले दिनों में करने वाले? निश्चित रूप से उसके खिलाफ आंदोलन होगा, और वो 10% सवर्णों को जो आरक्षण मिला है आर्थिक रूप से कमजोर, कहीं भी हमारे संविधान में किसी भी धारा में ऐसा नहीं है जहाँ आर्थिक रूप से कोई अगर कमजोर है उसके लिए संविधान में कहीं कोई जगह नहीं है कि उसे आरक्षण देने की जरूरत है। किसको मिलना चाहिए आपके हिसाब से आरक्षण? हमारे हिसाब से जिसे पहले से शूद्र बना करके रखे थे, महाशूद्र जो बना करके रखे थे, उन्हें आरक्षण की लाभ दे करके और सामान्य वर्ग तक लाने की जरूरत होनी चाहिए। सामान्य वर्ग तक जब तक नहीं आए।